Welcome and good evening all. Today we'll have control over five one word substitutions from serial number 126 to 130. आज पांच one word substitutions को control कर लेंगे. आज का पहला word है often, दूसरा है oligarchy, तीसरा panacea, चौथा parasite and the last patrimony. तो इस तरह से इन पांच words को देखते हैं ठीक से, ताकि बिल्कुल हमें ध्यान रहे एग्जाम्स के लिए. ऑफन, इसका उच्चारण है ऑफन, इसमें आर साइलेंट होता है, आर का उच्चारण नहीं करते हैं, हिंदी है अनाथ. दूसरा है ओलिगार्ची, ओलिगार्ची हिंदी होती है कुलीन तंत्र. तीसरा पेनेसिया, इसका उच्चारण है पेने पेनेसिया, हिंदी है रामबाण. चौथा है पारासाइट, पारासाइट मतलब परजीवी. फिर है पैट्रीमनी, इसको बोलते हैं पैट्रीमनी मतलब पैतृक संपत्ति. जो ग्रुप ऑफ वर्ड से पहला वर्ड ऑफन के लिए वह है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता मर गए हैं, तो उस बच्चा को कहेंगे ऑफन. पेरेंट्स माता पिता, अगर मम्मी या पापा जिंदा हैं तो उस स्थिति में बच्चा को हम पेरेंट्स नहीं कहेंगे, पेरेंट्स ऑफन नहीं कहेंगे. जब पेरेंट्स नहीं रहेंगे तभी हम ऑफन कहते हैं. ये आप ध्यान रखेंगे, ऑफन मतलब अनाथ, जिस बच्चा का माता पिता इस दुनिया में नहीं है उसको अनाथ कहा जाता है. फिर है ओलिगार्ची, ओलिगार्ची मतलब कुलीन तंत्र. अ गवर्नमेंट वेयर ऑल द पावर्स आर कंसेंट्रेटेड, कंसेंट्रेटेड मतलब केंद्रित या संकेंद्रित, केंद्रित रहती है. इन द हैंड्स ऑफ अ स्मॉल बॉडी ऑफ पर्संस मतलब अ गवर्नमेंट मतलब ऐसी एक सरकार जहां पे ऑल द पावर सारी शक्तियां आर कंसेंट्रेटेड केंद्रित होती है. इन द हैंड्स ऑफ अ स्मॉल बॉडी ऑफ पर्संस कुछ लोगों के हाथों में, ऐसी सरकार जिसमें कुछ लोगों के हाथों में सारी शक्तियां केंद्रित होती हैं, तो उस सरकार का नाम होता है, उस एक सरकार, उस तरह की सरकार को कहते हैं ओलिगार्ची. ओलिगार्ची याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ओलिगार्ची, एग्जाम्स में आते रहता है. फिर है 28th नंबर पेनेसिया मतलब रामबाण, उच्चारण तो लिख दिया है पेनेसिया. रामबाण मतलब आप जो मिथिलोजी जानते हैं, राम जी का बाण मतलब जिसको मार दिया वो समस्या ही दूर हो जाती है, तो ऐसे ही इसी से बनाया गया है हिंदी शब्द रामबाण, इंग्लिश है पेनेसिया मतलब अ क्योर, क्योर मतलब इलाज, इलाज ऑफ ऑल डिजीज सभी बीमारियों का, सभी बीमारियों का इलाज, इसको बोलते हैं पेनेसिया, याद रखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है. फिर पैरासाइट मतलब परजीवी, आप बायोलॉजी में दे जानते होंगे परजीवी उस जीव को कहते हैं जो किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहता है, उसी से भोजन प्राप्त करता है और उल्टा उसको क्षति भी पहुंचा सकता है, उसे बोलते हैं पैरासाइट परजीवी. तो दैट विच लिव्स ऑन अनदर, वह जो रहता है अनदर पे, दूसरे पर, वह जो दूसरे पे रहता है उसे बोलते हैं पैरासाइट. एंड द लास्ट इज पैट्रीमनी मतलब पैतृक संपत्ति. इसमें जो पैतृक संपत्ति क्या होती है, जो जो एंसेस्टर्स की या माता पिता की संपत्ति होती है उसे बोलते हैं पैतृक संपत्ति, इसे बोलते हैं एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब पूर्वज. तो जो माता पिता की या पूर्वज की संपत्ति होती है तो उसे बोलते हैं पैट्रीमनी. इस संपत्ति को कोई कमाता नहीं है, जो पापा का या हमारे एंसेस्टर्स का था वो हमें मिल जाता है, उसको कहते हैं पैट्रीमनी, पैतृक संपत्ति. प्रॉपर्टी इनहेरिटेड, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस
फादर और एंसेस्टर इनहेरिटेड साथ में रहेगा। प्रॉपर्टी जो वंशानुगत रूप से प्राप्त होती है किसी के पापा से चाहे पूर्वज से, तो उस संपत्ति को कहते हैं हम पैट्रिमोनी। मतलब आप समझ रहे हैं कि इसे हम कमाते नहीं है, हमें मिल जाता है, हमारे पापा का होता है चाहे हमारे एंसेस्टर्स का होता है, वो हमें मिल जाता है, ऐसे ही उसे बोलते हैं पैट्रिमोनी। इस तरह से आज के 5 वर्ड्स, ये पहला ऑफन हिंदी अनाथ, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, नेक्स्ट ओलिगार्ची कुलीन तंत्र हिंदी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अ गवर्नमेंट वेयर ऑल द पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ स्मॉल बॉडी ऑफ पर्सन्स, थर्ड वन इज पेनेसिया रामबाण, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेज, फोर्थ वन इज पैरासाइट परजीवी दैट विच लिव्स ऑन अनदर, एंड द लास्ट वन वर्ड इज पैट्रिमोनी पैतृक संपत्ति हिंदी, एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स property inherited from one's own father or ancestor, इसे कहते हैं। Thanks a lot. Thank you.